ये देखो मतलब इतना भयानक जाम है ना, किधर से आ रहा है मालगाड़ी, इधर खड़ा है, कब खुलेगी पता नहीं। इसी कारण सारे लोग पटरी क्रॉस कर रहे हैं। देखो देखो कैसे सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं, कुछ लोग तो कर भी लिए हैं। इधर देखो बट इधर से कैसे हुआ क्रॉस बताओ यार। देखो मजबूरी, इसको बोलते हैं मजबूरी गाइस। देखो सारे लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं, देखो पहले इधर करेंगे फिर इधर, काफ़ी मेहनत है यार, बहुत भयानक वाली ट्रैफिक। अपना गाड़ी तो हो चुका पास, बहुत मेहनत के बाद पास हुआ, मेरा लेके जा रहा आगे स्प्लेंडर। मेरे को पता था इसी कारण से अपन लोग R15 नहीं लगाए। ये देखो क्या कर दिया यार ये भाई मंटू, अच्छा से ऐसे ही चल ओ। ये देख रहे हो ना इतना जाम है ना इधर कि अपने को तिगुना रास्ता तय करना पड़ेगा इधर से, बहुत लॉन्ग रूट तय करना पड़ेगा, जाम बहुत। कैसे बाइक जा रहा है ये देखो भाई, ये देखो भाई। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो आज जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि अपन लोग किस टाइप का वीडियो आज बना रहे हैं। सो गाइज कल मैं मेला घूमने के लिए गया था, बट मेला में जाने से पहले अपने साथ ऐसा कांड हुआ ना गाइज कि बता नहीं सकते, बस आप लोग वीडियो देख के समझ जाना क्या ही कांड हुआ। जाने टाइम इतना ज़्यादा जाम था गाइज, इतना ज़्यादा जाम था ना, निकलना इम्पॉसिबल था गाइज, इम्पॉसिबल बोले तो। बट फिर भी अपन लोग कैसे कैसे निकले ना वो तो गाइज आप लोग वीडियो देख के समझ जाना। फिर पहले आप लोग वीडियो देखो, फिर लास्ट में आपसे मिलते हैं और फिर बताते हैं गाइज। ठीक, क्योंकि अभी ट्रेन क्रॉस करेगी, वो देखो लाइन है ना, उधर से ट्रेन क्रॉस करेगी, इसी कारण से हेवी ट्रैफिक है अभी भाई, मतलब लंबा वाला ट्रैफिक है एकदम। ये देखो इधर से ही सारा जाम है, देखो अभी कितना पीछे से जाम है ना, दिखाते हैं आपको, ये देखो पूरा पीछे से ही जाम है, आगे भी देखो उधर भी कितना जाम है, देखो इधर से तो बेकार भाई जाम। देखो यार इतना भयानक वाला जाम, ये मडी हो चुका है एकदम भाई, बारिश भी तो बहुत हुआ है ना, सारा एरिया मडी हो चुका है, बाइक में प्रॉब्लम भी है, देखो चक्का फिसल रहा भाई। सही है यार, ये देखो भीड़ भाई, लगता है यहीं पे मेला लग जाएगा अब, इतना जाम ट्रैफिक देख रहे हो कितना जाम है, सारा मेला वाला का है। ओरिजिन ये ट्रेन का है, ये पटरी दिख रही है ना, ये ट्रेन का है, इसी का जाम है, पता नहीं कब क्रॉस करेगी फिर अपना ट्रैफिक खुलेगा। रेड लाइट है वहाँ भी देख लो, ये देखो मतलब इतना भयानक जाम है ना, किधर से आ रहा है मालगाड़ी, इधर खड़ा है, कब खुलेगी पता नहीं। इसी कारण सारे लोग पटरी क्रॉस कर रहे हैं, देखो देखो कैसे सारे लोग क्रॉस कर रहे हैं, कुछ लोग तो कर भी लिए हैं। इधर देखो बट इधर से कैसे हुआ क्रॉस बताओ यार। देखो मजबूरी, इसको बोलते हैं मजबूरी गाइस। देखो सारे लोग कैसे क्रॉस कर रहे हैं, देखो पहले इधर करेंगे फिर इधर, काफ़ी मेहनत है यार, बहुत भयानक वाली ट्रैफिक। अपना गाड़ी तो हो चुका पास, बहुत मेहनत के बाद पास हुआ, मेरा पाँव भी छिल चुका, ये देखो, और ये देखो गंदा भी हो गया भाई, इसीलिए बारिश का मौसम है ना तो अपन लोग स्लीपर पहन के आए हैं। देखो सारे लोग कैसे चढ़ा रहे हैं, और अपना बाइक मस्त वाला मंटू लेके आगे गया है यहीं से। हाँ भाई बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ये देखो मंटू लेके जा रहा आगे स्प्लेंडर। मेरे को पता था इसी कारण से अपन लोग R15 नहीं लगाए, ये देखो क्या कर दिया यार ये भाई मंटू, अच्छा से ऐसे ही चल ओ। ये देख रहे हो ना भाई ज्यादा जहर कर दिया यार, देखो इस बंदा को
यार भाई पूरा एकदम चक्का का देखो ना, ये देखो इसका देखो टायर देखो कैसा हो गया, इतना ज्यादा मट्टी है ना, इतना ज्यादा फिसलन है ना, सोच नहीं सकते हो। तो चलो अभी तो चलते हैं मेला में भाई जल्दी से। हम देखो भाई देखो मेला से आने वाला का ये जाम है, हम लोग तो वापिस जा रहे हैं मेला की तरफ ही जा रहे हैं। इधर से मत जाना फिर फंसेगा भाई। देखो कितना कीचड़ है यार, कितना कीचड़। ऑलरेडी हम लोग घर से आते वक्त भी ना उस टाइम भी फंसे थे और फिर इस टाइम भी फंसे, काफी तगड़ा वाला इस टाइम तो फंसे यार। अगर थोड़ा सा भी दिमाग अपने पास नहीं रहता ना हम लोगों के पास तो अभी तक जाम में ही अटके रहते हैं। बट चलो फाइनली निकल चुका है, अब जल्दी से चलते हैं मेला यार। ये जाम देखो भाई, जाम देख रहा भाई। आराम से सो जाओ, 2-3 घंटा सो जाओ आराम से, 2 घंटा तो एकदम आराम से सोना है भाई, जाम बहुत है। ये देखो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। डीजल चलता है या फिर क्या चल रहा है मेरे को बताओ, पेट्रोल या डीजल? इतना जाम है ना इधर कि अपने को तिगुना रास्ता तय करना पड़ेगा, इधर से बहुत लॉन्ग रूट तय करना पड़ेगा, जाम बहुत हैवी है तो लॉन्ग रूट तो तय करना ही पड़ेगा भाई। ये देखो इधर का भी जाम देखो यार, ओ भाई साहब क्या जाम है भाई, क्या जाम है। 2 घंटे सो जाओ आराम से भाई, 2 घंटे तो फिक्स है। ये देखो कितना लंबा वाला इस साइड जाम है, इधर तो उधर सोचो कितना लंबा जाम होगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना 2-3 घंटे से ट्रेन ऑलरेडी मतलब वहां पे खड़ी होगी, तब तो इतना भयानक जाम हो गया है। गाँव गाँव से डिस्टेंस तय कर रहे हैं क्योंकि भाई समझ रहे हो ना। ये देखो गाँव गाँव का एरिया, इधर तो पानी वानी भी हो चुका है। डायरेक्ट रोड था बट इधर से गांव गांव से जाना पड़ेगा अभी। देखो हाय लेकिन सही है मेरे यार, ऐसे बाइक जा रहा है। ये देखो भाई ये स्प्लेंडर है, ये R15 रहता निकल जाता आराम से, बट इतना मड़े ना क्या ही बोले यार, धक्का देना पड़ेगा अब। रुक जा एक्सीलरेटर मत मारना फिर हम गंदा हो जाएंगे, ऐसे ही धक्का मार गिर ना हो। रुक जा। सो गाइस आप लोगों ने वीडियो देख लिया ना, आप लोग काफी ज्यादा फेस प्रॉब्लम फेस किया, इतना ज्यादा जाम था ना कि सोच नहीं सकते हो। पहले तो रेलवे ट्रैक पे बहुत भयानक वाला जाम, क्योंकि रीजन था गाइस कि वहां पे एक मालगाड़ी आके खड़ी थी करीब 1-2 घंटे से, मे भी मेरे से ख्याल से, तो वहां से अपने को पहले रेलवे ट्रैक से पास करना पड़ा, उसमें काफी ज्यादा कीचड़ थी गाइज, कीचड़ के अंदर से निकालना पड़ा अपना बाइक, फिर रेलवे फाटक से पार करो उसको, गाड़ी को उठाओ, बहुत ज्यादा अपना पांव भी कट चुका था उसमें, क्योंकि भाई 2-3 घंटे स्टैंड करना इट्स नॉट पॉसिबल गाइज, क्योंकि रात भी हो जाती काफी ज्यादा। बट गाइज डिफिकल्टी वहां से स्टार्ट होती ना ट्रैक पार करने के बाद, आगे इतना ज्यादा जाम था ना सोच नहीं सकते हो। उसके बाद अपन लोग एक टर्न लेते हैं दूसरे तरफ से रोड में जाते हैं, उधर भी बहुत ज्यादा जाम। तो फाइनली एक ऐसा टर्न आया ना गाइज कि वहां से किसी ने मेरे को बोला कि इस गांव से क्रॉस करके डायरेक्ट राजगीर जा सकते हो, बट गाइज वो राजगीर तो जा सकते थे बट वो रास्ता था नहीं, बट फिर भी अपन लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद ऐसा बाइक फंसाना गाइज, ऐसा फंसाना भाई पूरा जाम ही हो गया बाइक अपना, मतलब जाने का ना कोई भी मतलब कुछ सुविधा ही नहीं रहा लास्ट में। तो अपन लोग वहां से गाइज कैसे कैसे करके, करीब टाइम ज्यादा हो गया तो कैसे कैसे करके वहां से अपन लोग निकले, बहुत मेहनत के बाद गाइज वहां से निकले। और फिर उम्मीद नहीं हुआ गाइज कि अपन लोग फिर मेला जा पाएंगे उस टाइम, क्योंकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने के बाद मतलब जाना इम्पॉसिबल थी गाइज। तो अपन लोग वहां से बैक हो गए, घर आ गए और फिर आज अपन लोग फिर से मेला की ओर जाएंगे गाइज, मेला घूमेंगे आज अपन लोग, क्योंकि समझ सकते हो ना बहुत ज्यादा एक तो उतना प्रॉब्लम, प्लस पाँव भी कट चुका था मेरा, पैर भी, प्लस कपड़ा सारा गंदा हो चुका था। लोग देखना गाइज कैसा कैसा हम लोग प्रॉब्लम फेस किए थे। तो सोच रहे हैं गाइज आज का वीडियो यहीं पे छोड़े, क्योंकि फिर अपने को आज मेला घूमने के लिए निकलना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सकेगा जितना वीडियो को शेयर करना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर गाइज़।